गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आई हूँ नेक्स्ट पार्ट लेके राखा हनुमान जी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बकवास ना करते हैं क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है गाइस लिख रहे। अच्छा छोड़े, जैसे हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि सबको पता चल गया था जो विंग है वही विभूषियान है, यिलिंग पेट्रियार्क है जो कि डार्क कल्टिवेशन वर्ल्ड और लाइट कल्टिवेशन वर्ल्ड का एम्परर है, और जो कि किंग है हमारा वांग जी। मैं आपको बता दूँ अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, मैं खुद ही क्लियर करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने एक दो दफ़ा सुना और मुझे खुद कन्फ्यूजन हो रही है। जो वांग जी है वो सिर्फ और सिर्फ लाइट कल्टिवेशन का किंग है, ठीक है गाइस, और जो विंग है वो दोनों कल्टिवेशन वर्ल्ड्स का एम्परर है। ओके, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग के दो डार्क कार्ड्स आए थे, उन्होंने कहा था कि क्राउन प्रिंस को होश आ गया है और वो आपको बुला रहे हैं, तो विंग लंजा को वहाँ से लेके चला गया था। अब हम आगे का सीन देखते हैं कि जैसे ही वांग जी देखता है कि तो अचानक से जैसे वो फील करता है क्या कहता है अपने आसपास देखते हैं तो फुल एरिया जो होता है चेंज हो चुका है, तो वो एक बहुत ही खूबसूरत कमरे में होते हैं। लेकिन उसका तो वो बहुत खूबसूरत कमरे में होते हैं लेकिन जो उसके कलर्स होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, मतलब थोड़े डार्क कलर्स होते हैं। तो वहाँ देखते कि ना वहाँ एक ना 5 या 6 ईयर्स का एक बच्चा लेटा हुआ है, और उसने विंग को देखते ही जोर से चिल्लाया मम्मा करके चिल्लाया, और जैसे उठने वाला था तो विंग उसके पास भाग के गया, उसको गले लगा लिया। तो फिर ना आईवन कहता है कि मम्मा आप आ गए, तो फिर ना जो जो विंग होता है कहते आईवन तुम्हें होश आ के, कहते हाँ मैं आई एम सॉरी मम्मा मैं इतनी देर तक सोता रहा आपको इतना तंग किया, कहते नहीं मम्मा खुश है कि मेरे उनके बेटा जाग गया, ठीक है, लेकिन मम्मा मुझे क्या हुआ था मैं इतनी ज़्यादा देर तक ही सो रहा था, कहते कुछ नहीं हुआ था बस आप थक गए थे, कहते ओके ठीक है, बट मम्मा ये देखे ना मैं बड़ा हो गया तरफ से, तो कहते नहीं आप अभी भी मेरे बेबी हो, कहते हैं सची, कहते हाँ, और कहते कि ना आपको पता है आपका एक तो ये कह के ना विंग चुप हो जाता है क्योंकि उसको याद आता है कि अभी तक वांग जी ने नहीं बताया कि उसको ये पैसा चाहिए या नहीं, इसलिए वो चुप कर जाता है, उसको नहीं पता होता क्या जवाब दूँ या नहीं। तो फिर जो आयन होता है कहता है क्या मम्मा, कहते कुछ नहीं आयन, तो फिर कहते हैं कि ना ये कौन है, आयन पूछता है वांग जी की तरफ इशारा करके, कहते ये तुम्हारा फादर है, वो इस तरह बोल देता है। तो फिर ना ऐसे बोलता है और इस सबकी विंग है, ठीक है गाइस, और ये मतलब कि ना, और गाइस मैं आपको बता दूँ इसमें जो विंग और है पेट्रियार्क ये दोनों अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हैं, हमें आगे जाके हम इनके बारे में सारा जानेंगे, जैसे विंग वांग जी और लंचा है, ठीक है। तो आगे हम जाके मिलते हैं, तो कहते हैं कि ना जो विंग है तो वैसे बोल देते हैं, और फिर ना फ़ौरन ही जो होते हैं पेट्रियार्क वो फ़ौरन ना टेक ओवर करके कहते हैं कि ना ये किंग है, कहते किंग, कहते हाँ लाइट कल्टिवेशन की किंग जो मैंने तुम्हें बताया था, कहते ओके ठीक है मम्मा, तो फिर से बोलते तो फिर ना वो स्माइल कहते हैं, और फिर कहते कि ना अच्छा तुमने खाना खाया, कहते हाँ मुझे ना उन्होंने अंकल ने खिला दी, कहते ठीक है तो तुम अभी रेस्ट करो मम्मा आ रहे हैं, ठीक है, कहते ओके मैम मम्मा, वो ऐसे कहते और लेट जाता है, और फिर ना जो विंग होता है वो ना उसको लेटा के फिर बाहर आ जाते हैं, और विंग को और लंचा को भी साथ लेके आता है वांग जी को, और फिर जैसे बाहर आता है तो फिर ना वांग जी उसकी तरफ कन्फ्यूजन में देख रहे, कहते जोर से सांस लेता, और फिर कहते कि ना तुम्हें सब कुछ जाना होगा ना, फिर वांग जी उसकी तरफ देख रहा होता है, कहते हैं ना आप मैं तुम्हें सारा सब कुछ शुरू से बताता हूँ। तो फिर वांग जी उसकी तरफ उसके पीछे पीछे चलता होता है, और फिर विंग आता है, वहाँ एक खूबसूरत सा गार्डन होता है लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता, उसमें आता है और वो बहुत खूबसूरत होता है गार्डन, वहाँ आता है और फिर ना वांग जी को बताना शुरू करता है। अब हम सारा पास्ट जानेंगे गाइस, तो हम अब देखते हैं कि जो विंग था जब वो 3 ईयर्स का था तो जो उसके पेरेंट्स थे उनकी डेथ हो चुकी थी, ओके, तो फिर वो 1 ईयर तक ये रोड्स पे मतलब इस तरह फिरता रहा था, लेकिन उसके पास बचपन से ही एक डार्क सोल थी जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, और काफ़ी टाइम जैसा होता था कि विंग को कभी कभी खाना जैसे नहीं मिल पाता था और वो फिर भूखा रहना पड़ता था, लेकिन जो उसकी डार्क सोल थी वो इतनी पावरफुल थी ना कि अगर विंग कुछ ना भी खाता ना तो भी उसको ऐसा लगता कि उसका पेट भरा हुआ है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी देती थी उसकी डार्क सोल। और इस तरह करके उसका 1 ईयर गुजरा था रोड्स पे, और अगर कभी भी विंग पे कोई खतरा होता तो उसकी डार्क सोल फ़ौरन उस पेटे को रखा रखे उस खतरे का बिल्कुल नामो निशान मिटा देती थी। तो इस तरह 1 ईयर गुजरा, और फिर जो अंकल फैमिली थे उन्होंने विंग को देखा और पहचाना, जैसे कि हमने अंटी में देखा था सेम वैसे के वैसे होता है, और फिर उसके बाद ना वो अंकल खेले आते हैं, और जो उसके बाद फिर विंग वहाँ 2 साल तक रहा था, तब तो विंग छोटा था तो फिर मैडम ये कुछ कहती नहीं थी, और जो अंकल फैमिली खुद विंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे, और जब वो 6 ईयर्स का था तो 6 ईयर्स का था तो उसको ना अपनी डार्क सोल के बारे में थोड़ा रियलाइज़ होने लगा था, क्योंकि एक दिन वो उसके सामने एक डॉग था पड़ा, और उस चीज़ को देखे ना, और वो अपने इधर उधर देखता तो कोई नहीं होता, वो आया होता एक्चुअली घूमने फिरने आए थे मैडम ये भी सारे आए होते हैं, मतलब बाहर निकल रहे होते हैं अपने स्ट्रीट्स को देखने, मतलब और सब जंगशा और यहीं भी छोटे होते हैं तो वो भी साथ आते हैं, तो जो विंग होता है वो खो जाता है, और जैसे होता है उसके सामने एक डॉग आ जाता है जिसको देखे जो विंग होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, और फिर ना जैसे चीज मारने वाला होता है तो फिर ना डॉग आता है उसके आगे आ जाता है, और फिर ना विंग जो होता है डर के मेरे हाथ आके ऐसे करता है, और वो देखता है तो फिर उसके हाथ में से ना ब्लैक स्मोक निकल रही है, और फिर जो डॉग है वो व्हाइट कलर का होता है और वो हवा में उड़ा, और उसके इर्द गिर्द जो गले के इर्द गिर्द
फुल ब्लैक स्मोक का सर्कल बना हुआ, जिससे ना वो जो डॉग है उसका गला दबता जा रहा है, और उसी टाइम पे डॉक्टर की ना वही मर जाता है। डॉक्टर ओ डॉक्टर कैली सॉरी, अभी डॉक्टर वाले FF की रिकॉर्डिंग किया तो ये हाल हो रहा है। अच्छा डॉग मर जाता है, सॉरी डॉग मर जाता है, तो फिर ये देखे ना विंग शॉक हो जाता है, और उसके बाद फिर ना वो फिर ऐसे फिंगर करता है, ऐसे घुमाता है और उसकी तरफ करता है, तो फिर ना डॉग की तरफ वो ऐसे ना सर्कल बन के जाता है ब्लैक स्मोक का, जिसको देखे विंग डर जाता है। तो फिर उसी वक्त उसको ना अपने माइंड में ये आवाज़ आती है कि डर मत आएंग, मैं तुम्हारा ही पार्ट हूँ। तो फिर कहते कि ना कौन हो तुम, फिर कहते कि ना मैं तुम्हें सब समझाऊंगा, अभी हम घर चले, कहते बट मैं खो गया हूँ, कहते मैं तुम्हें बताता हूँ कहाँ कहाँ जाना है। तो फिर ना वो जो विंग होता है कहते ठीक है, और फिर वो कहते कि ना पहले लेफ्ट या फिर राइट जो है, फिर कहते वो वहाँ पहुँच जाते जहाँ अंकल फैमी या मैडम यू जंग शॉर या होते हैं वहाँ पहुँच जाते, और फिर ना वहाँ के तो फिर अंकल फैमी कहते कहते तुम कहाँ चले गए थे, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ लेते, कहते नहीं वो अंकल मैं पीछे रह गया था, तो जो मैडम यू थी वो अजीब से फेस बनाती हैं, तो लेकिन कुछ कहती नहीं है। तो उसके बाद अब हम सीन देखते हैं कि जो विंग था वो काफ़ी टाइम्स अपने बातें करने लग गया था और उसके साथ अपने डार्क सोल के साथ। तो वो एक दिन होता है कि कहते कि ना तुमने मुझे बताया नहीं तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और तुम्हारा नाम क्या, कहते मेरा नाम पेट्रियाक है, कहते पूरा नाम, कहते यिलिंग पेट्रियाक है, और कहते और विंग कहते कहते मेरा नाम विभूषियान है, कहते हाँ विभूषियान विंग, कहते तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है। तो फिर ना माइंड में ये आवाज़ आ रही थी जो डार्क सोल होती है यिलिंग पेट्रियाक, कहते कहते मैं तुम्हारी सोल हूँ, मुझे कैसे निकल होगा, कहते क्या हो तुम मेरी सोल हो, एक इनोसेंटली बोलते तो फिर ना अकेले बात कर रहा था, उसके माइंड की बात किसी और को नहीं समझ आ रही थी। कई दफ़ा ना मैडम यू और अंकल फैमिली सब ने इसको ऐसे देखा था, और सब बोलते कि ना उसके पेरेंट्स गुजर जाने के बाद है ना इसके ब्रेन पे असर पड़ रहा है। तो जो जो पेट्रियाक था वो ये चीज़ नोटिस करता है, और विंग को कहते कहते आएंगे तुमने जब भी मुझसे बात करनी है तो ना अपने कमरे को लॉक करके मुझसे बात करना, ऐसे बाहर बात करोगे तो सब तो ठीक नहीं होगा, कहते क्यों क्या हुआ, कहते हैं ना आएँ मेरी बात सुनो ना, कहते ओके ठीक है। जो विंग होता है वो स्टार्टिंग से ही अपने डार्क सोल की हर बात मानता था, क्योंकि बच्चा था उस वक्त तो वो सारी मानता था, उसे आगे जाके हम देखते थे क्या होगा। तो और फिर वो बताते कि ना तुम मेरी मैं तुम्हारी डार्क सोल हूँ, अपनी तुम जो हो तुम लाइट सोल हो और मैं तुम्हारी डार्क सोल हूँ। फिर कहते कि ना और मैं वो हूँ जो तुम्हें हर खतरे से भी बचा सकता है, और मैं तुम्हारा हमेशा केयर करूँगा। तो फिर ना विंग कहते हैं बट क्यों, कहते कि ना एक्चुअली किसी किसी के पास सिर्फ किसी किसी लोगों के पास होती है डार्क सोल्स, मतलब एक लाइट कल्टिवेशन वर्ल्ड में भी एक लड़का है जो कि तो तुम्हारी एज से कुछ ईयर्स बड़ा है, 6 या 7 ईयर्स पड़ा है, और 6, 7 या 5 ईयर्स इस तरह बड़ा है, और उसके पास भी एक डार्क सोल है अपनी। तो फिर वो कहते कहते वो भी तुम्हारी इतना पावरफुल है, विंग पूछते थे, फिर पेट्रियाक कहते नहीं उस वेल मुझसे तो ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन मुझसे कम है लेकिन है से। तो फिर कहते अच्छा, कहते तो वो खतरनाक है, विंग पूछते कहते हाँ बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो फिर कहते वो अच्छा, कहते कि ना और मैं तुम्हारी डार्क सोल हूँ, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा, कोई गलत वो होगा तो उसका उसमें तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगा, अगर तुम कोई गलत चीज़ करे, अगर सही कर रहे हो तो फिर मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा, और अगर कभी मुझे ऐसा लगेगा कि जहाँ पे तुम ये अभी सिचुएशन हैंडल नहीं कर सकते तो वहाँ पे मैं हूँगा तुम्हारे साथ, और या फिर तुम पे टेक ओवर करके मैं खुद ही सिचुएशन हैंडल करूँगा, ठीक है। तो मैं विंग कहता ठीक है, और उसने ये परमिशन दे दी होती है, जिसकी वजह से आराम से जो पेट्रियाक होता है वो आराम से ना मतलब पेट्रियाक जो होता है वो टेक ओवर कर लेता है विंग के पास। तो इसका फिर विंग को अपनी अपना पावर्स अपने कोर के बारे में समझाता है, विंग को सारा कुछ समझाता है, और उसको कहते हैं कि ना कभी किसी के सामने ये ना बताना कि तुम्हारे पास एक डार्क सोल है। तो विंग कहते हैं क्यों, कहते बस ना बताना क्योंकि कुछ होता है कि तुम्हें खतरा भी हो सकता है, कहते तो तुम मेरे साथ हो तो सही, कहते कहते आइन समझा करो ना, कहते ओके ओके। तो फिर कहते हैं किसी को ना बताना और हमेशा तुम जैसे हो वैसे रहना, कहते क्या मतलब, कहते कि कभी किसी के सामने ये ना बताना कि तुम पावरफुल हो, कभी किसी के सामने ये ना बताना कि तुम्हारे पास डार्क सोल है, और कभी किसी के सामने स्ट्रॉन्ग ना बनने की मतलब कि अगर हो तुम जैसे हो वैसे रहना, कोई चोर बनने की जरूरत नहीं है ना ही कुछ किसी चीज़ का शो ऑफ करने की। तो विंग कहता ठीक है, मुझे वैसे भी इस तरह की याद नहीं है, कहते वैसे मुझे पता है लेकिन मैं फिर भी कह रहा था। तो फिर ना विंग स्माइल करता है, और फिर उसके बाद वो कहते कि अब चले, और इस तरह फिर कुछ ईयर्स गुजरते हैं और अब वो होते हैं 12 ईयर्स के, और अब जो विंग होता है वो फुली सीख चुका होता है डार्क कल्टिवेशन, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो जब देखता था कि एट के कोई नहीं है, जो पेट्रिया था वो उस पर टेक ओवर करता और उसको डार्क वर्ल्ड में लेके जाता, और फिर वहाँ की डार्क एनर्जी सारी डार्क एनर्जी की ट्रेनिंग लेता, मतलब हर तरह की डार्क कल्टिवेशन की ट्रेनिंग लेता था, और तो इस तरह वो बचपन से ही ऐसे करता था और जो मैडम यू थी वो उसे बहुत चिढ़ती थी। लेकिन जो मैडम यू थी जब उनको उन्होंने एक दफ़ा देखा था जब वो 10 ईयर्स का था, विंग जब 10 ईयर्स का था तो उन्होंने विंग को एक डॉगी को मारते देख लिया था, एक डॉग को मारते देखा था क्योंकि और उसको देख के डर गई थी, और जो उस वक्त था वो विंग नहीं था वो पेट्रियाक था, उसने अपने हाथ से ब्लैक स्मोक निकाली, और जिस तरह हमने पहले देखा था कि जब 6 ईयर्स का था तो उसने डॉग को मारा था सेम उसी तरह वो मारता, लेकिन इस दफा वो तड़पा तड़पा के मारता है, छोटता गिराता है फिर उठाता है फिर मारता है, तो फिर जो मैडम यू थी वो देख लेते और वो गिरी
वो उनके हाथ में एक प्लेट होती है तो वो गिर जाती है। तो भैया वासन के जो पेट्रियार्क होता है वो पीछे मुड़ता है और कहता है कि ना अगर तुमने किसी को भी ये बात बोली कि मैं क्या कर रहा था या ये सब इस यहाँ जो भी हुआ कुछ भी बोला तो याद रखना तुम मरोगे, ये बोल के ना वो वहाँ से ना ब्लैक स्मोक जैसे फेड हो जाता है, इस तरह गायब हो जाता है। तो ये देखिए जो होती है मैडम ये डर जाती है और फिर उस दिन के बाद से विंग को कुछ भी नहीं कहती लेकिन दूर दूर रहती है और लेकिन चिढ़ती फिर भी होती है। तो फिर ना उसके बाद फिर ऐसे टाइम स्किप होता है और फिर जब होता है विंग 5-15 ईयर्स का, तो विंग होता है जब 15 ईयर्स का होता है तो वो ऐसे जियांग सेट में घूम रहा होता है, तो उसको वो मार्केट्स में घूम रहा होता है जियांग सेट की, तो वहाँ उसको एक बेबी क्राई करता हुआ नजर आता है। रो से ऐसे था विंग की तरह, मतलब जैसे विंग को ना अपना पास याद आते थे उसको देखने, क्योंकि वो 3 साल का एक बच्चा होता है और वो ना खाने के लिए ना रो रहा होता है और जो सामने होता है स्टॉल पर तो वो उसको खाना नहीं देता और अगर देता है तो ऐसे गला हुआ इस तरह का, तो फिर ना वो बच्चा वही खाने लगता है तो फिर विंग आता है उससे वो लेके ना फेंक देता है और वो बच्चा उसकी तरफ देखने लग जाता है और रोने लग जाता है। तो फिर ना विंग जो होता है वो पैसे देता है उस को जो जो उसने स्टॉल लगाया होता है खाने का उसको पैसे देता है और उसे ना अच्छा खासा खाना लेके और वो उस बच्चे को देता है और फिर ना वो देखे ना पहले शो को देता है और फिर विंग को देख रहा होता है, तो विंग कहते खा लो मैंने नहीं दिया, तो फिर ना वो बच्चा स्माइल करता है और फिर ना वो खाना खाने लग जाता है, वो खाना ऐसे खा रहा होता है जैसे उसने काफ़ी दिन से नहीं खाया था। ये देखे ना विंग को अपने बच्चे नहीं आता देता और वो कहते कि ना तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, वो इस तरह पूछते थे। फिर कहते कि ना मेरे पेरेंट्स नहीं है, मैं काफ़ी टाइम से ऐसे हूँ, मेरा कोई भी नहीं है। तो फिर विंग कहता है अच्छा तो मेरे साथ चलोगे, तो फिर ना बच्चा उसकी तरफ देखने लग जाता है। तो फिर कहते कि ना तो मेरा ख्याल रखोगे, वो बच्चा पूछता कहते हाँ ज़रूर, तो फिर ना वो बच्चा स्माइल कहते ठीक है फिर बच्चे लोग। तो फिर ना विंग उसको एक जगह उसके साथ जाता है और एक जगह डार्क जगह में आता है, जगह में आता है जहाँ कोई नहीं होता, तो फिर विंग जो होता है उस बच्चे का हाथ पकड़ता है फिर ना वहाँ से गायब हो जाता है और फिर ना वो फिर एक आ जाता है ऐसे डार्क रूम में वो फुल ब्लैक होता है। फिर वो बच्चा देख डर जाता है, फिर कहते मैं कहूँ देखिए ना मेरे पास पीछे इतना ज़्यादा शोर हो रहा है कि मेरे बहन भाई सारे लड़े हैं, पता नहीं इनको क्या है, जब भी मैं रिकॉर्डिंग करने लगती शोर मचाने लग जाता है, वैसे ये पूरा दिन शोर मचाते हैं। अच्छा सॉरी, तो जो वो होता है तो फिर वो बच्चा डर जाता है और फिर विंग उसके पास आते हैं और इस भी वो विंग ही होता है। तो फिर वो कहते मेरे पास ना तुम्हारा नाम क्या है, तो फिर ना वो कहते मेरा कोई मुझे नहीं पता, तो फिर ना विंग कहते अच्छा मैं तुम्हें नाम दूँ, तो फिर ना वो बच्चा डर होता है, तो फिर ना फिर कहते कि ना मैं तुम्हारा नाम वे आई यून रखूँगा, तो फिर ना वो बच्चा उसकी तरफ देखने लग जाता है। तो फिर कहते तुम्हें नाम पसंद नहीं आया, कहते वो बच्चा इस्तेमाल करते मुझे कहते और कहते कि ना मुझे आना नाम अच्छा लग रहा है, मुझे आपसे डर लग रहा है। तो फिर विंग कहते मुझे क्यों डर लग रहा है, कहते कि ना हम गाय पके यहाँ कैसे आएंगे, कहते हैं फिक्र ना करो बड़े जब तुम हो जाओगे ना मैं तुम्हें भी सिखाऊंगा, तुम भी ऐसे इधर उधर आ जा सकते, कहते सच भी। तो फिर कहते हाँ, तो फिर कहते थैंक यू अंकल, कहते कि ना अंकल ना बुलाओ मुझे। तो फिर ना जो आई होना होता है उसकी तरफ कन्फ्यूजन में देखते कहते मदर बुलाओ मुझे मम्मा। तो फिर ना वो स्माइल कहते कहते आप सच में मम्मा बनेंगे, कहते हाँ। तो फिर ना वो स्माइल कहते कहते ठीक है मम्मा मैं ऐसे बोलते, तो फिर ना जो है वो स्माइल करते हैं और यहाँ पे आई है 3 ईयर्स का, ठीक है गाइस। और फिर ऐसी टाइम स्किप होता है 2 ईयर्स बाद का, जब तो जो विंग होता है वो बहुत ही अच्छी केयर लेता है इसकी आयन की, और आयन जो होता है अब बिल्कुल अटैच हो जाता है वो तो विंग उसके लिए जैसे उसकी रियल मदर था, और जो आयन था वो विंग के लिए उसका रियल सन था और दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। तो जब वो 5 साल का हो जाता है आयन, तो फिर विंग बैठा होता है अपने रूम में आयन के साथ बैठा होता है, लेकिन वो ना अपने कुछ काम कर रहा होता है क्योंकि यहाँ पे वो एम्प्लॉय होता है, तो फिर उसको वही कोर्ट के कुछ काम कर रहे थे, मतलब कि ना अपने ये डार्क कल्टिवेशन वर्ल्ड के, तो फिर वो उसी वही काम कर रहा होता है। तो उसके पास आयन आते कहते मम्मा मम्मा, कहते क्या हुआ विंग होते, कहते कि ना मम्मा मुझे बाहर जाना है, कहते नहीं अभी आयन नहीं अभी नहीं, तो फिर ना मैं अभी फ्री नहीं हूँ थोड़ी देर बाद, कहते नहीं मम्मा मुझे अभी जाना, तो फिर जो विंग होता है कहते नहीं अभी नहीं जाना, तो फिर कहते अच्छा मैं घाट जंगल के साथ चला जाऊँ, तो फिर कहते नहीं आयुन कहते हैं मम्मा प्लीज़ 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 देखो मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अब तो अब आपका बड़ा बेबी हूँ ना ब्रेव बेबी प्लीज़ 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 कहते ओके फाइन चले जाओ लेकिन जल्दी आना। तो फिर ना आयुन होता है वो स्माइल करता है और फिर वहाँ से चला जाता है विंग के चेक्स पे किस करके, और फिर ना विंग भी कहते पागल है ये लड़का, तो वैसे स्माइल कर रहा होता है। और कुछ टाइम बाद उसको न्यूज़ आती है कि ना एम्प्रेस जल्दी एंट्रॉन पे उसको कुछ हो गया, ये बोल के ना वो फौरन जा और ना विंग जब ये सुनता है तो वो बहुत पैनिक करने लग जाता है, और फिर जैसे आके देखता है तो जो आयन होता है आयन होता है उसके फोरहेड से खून निकल होता है। तो फिर कहते इसके साथ क्या हुआ, किस आयन के साथ ये क्या हुआ, तो फिर वो कहते हैं किसने किया, उसके आइस फुल ब्लैक हो जाते, कहते नहीं एम्प्रॉयर हम सब खेल रहे थे, उसने कहा कि एम्प्रॉयर क्राउन प्रिंस ने कहा कि ना हम खेलेंगे, तो फिर ना उनको फिर भागते भागते ना एक उनसे लग गए चोट लगे और भागते भागते एक पत्थर से वो गिर गए और फिर उनके सर पे चोट लगी और तब से वो अनकॉन्शियस है। तो फिर ना डॉक्टर तो फिर कहते कि ना डॉक्टर्स को बुला हीलर्स को, तो फिर ना वो आगे चेक करते कहते कि ना सॉरी एम्प्रॉयर लेकिन ना क्राउन प्रिंस कोमा में चले गए, कहते कोमा में कैसे जा सकता है इतनी सी चोट के लिए, तो फिर कहते कि ना एक्चुअली जो इनको चोट लगी है वो
बहुत अंदर तक इन्हें ब्लीडिंग होगी, इनके ना माइंड सारे उसमें, इसलिए वजह से ये कोमा में चले गई हैं। तो फिर कहते हैं कि ना अच्छा मेरे बेटे को होश खबर, कहते हैं कि ना हमें नहीं पता किसी कोई टाइमिंग का नहीं पता, हो सकता कभी भी ना आए। तो फिर बोलता था विंग के फुल आइज ब्लैक हो जाती है, और उस हीलर का जिसने ये बोला होता है कि कभी भी ना आए उसका गला पकड़ लेता है, कहते मेरे बच्चे के बारे में ऐसा सोचने की कोशिश भी ना करना, कहते तुम्हारा तुम्हारा फ्यूचर तो फ्यूचर एम्परल है। गाइज अभी तो यहाँ विंग को अपनी मैरिड लाइफ का कोई नहीं पता, तो इस वक्त तो वो बोलता है कि वो एम्परल है, ठीक है गाइज। तो आगे हम देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, मतलब कि एम्परल कोई बनेगा, मतलब गाइज मेरा दिमाग घूम रहा है, मैं अभी एक्सप्लेन करी आगे क्या आगे देखेंगे। अच्छा तो ना वो इस तरह करके ना उस हीलर को ना दूर फेंकता है, और फिर ना उसको ना जो आयुएन होता है उसको रूम में लेकर जाता है और वहाँ लिटा देता है। इसी तरह वन ईयर गुजर जाता है, लेकिन जो उसको होश नहीं आता आयुएन को, जिसकी वजह से फिर कुछ टाइम में जैसे ही सारी विंग की वेडिंग हुई थी सब कुछ हुआ था और यही सब कुछ हो रहा था, तो फिर उसको अचानक से ना जो आयुन था उसको होश आ गया था, जिसकी वजह से सारे शौक हो गए थे और फौरन ही विंग को बुलाने आ गए थे, और ये वही सब कुछ हुआ था और यही सारा कुछ, मतलब यही सारा फ्लैश बैक था। तो यहाँ पे वो एंड होता है, और फिर ना वो मम जी की तरफ मुड़ के देखते तो उसकी आइज में ना टीयर्स होते हैं, तो फिर विंग उसके पास जाता है और उसकी आइज के जो टीयर्स होते हैं वो साफ करते, कहते क्या हुआ, नहीं मुझे माफ़ कर दे एम्प्रेस, या तुम फिर एम्प्रेस बुला रहे थे, मुझे माफ़ कर दो मैंने बोला कुछ जाने पूछा तुम्हारे साथ काम पूरा किया। तो फिर कहते हैं कि ना बट जियांग ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैंने तो नहीं, तो विंग कहते हैं सॉरी गाइस मैं आगे पीछे बोल दिया, तो विंग कहते हैं कि लेकिन तुमने ऐसा किया क्यों। तो फिर ना जो विंग होता तो विंग की ये बात सुन के वांग जी को सब कुछ याद आ जाता है, और उसकी आइज भी ना हल्की हल्की ना ब्लैक होने लगती, फुल ब्लैक नहीं होती। तो फिर ना विंग को पता चल जाता है कि उसकी डार्क सोल उसका हो रही है, कहते तो मुझे बताओ कि क्योंकि मैं एम्प्रल हूँ तो फिर तुमसे ज़्यादा पावरफुल हो, तो फिर ये सोचना भी ना कि तुम मुझे किसी तरह कोई कुछ कर सकते। तो फिर ना जो तो वो थोड़ा काम डाउन होता है, कहते हैं मैं सिर्फ जियांग से बदला लेना चाहता था। तो फिर विंग उसकी तो कन्फ्यूजन में देखते, कहते क्यों, कहते कि ना जियांग से नहीं, जियांग से वो हैं जिन्होंने मेरे साइड पे हमला करवाया था, तो मैं तो पता ही होगा जियांग के वो लोग थे, कहते नहीं वो जियांग से नहीं थे, कहते आप इतने तो मैं इतना यकीन से कैसे कह सकते, कहते वो जियांग से नहीं थे, इतना मुझे पता है मैं एम्परर कोई ऐसी नहीं बनी है, मैं इधर उधर के आसपास की चीज़ों पे भी फुल नज़रें रखता हूँ, और जहाँ मुझे पता है ना ये नी ने किया, नी सेट ने ना ही किसी और सेट ने, ये एक ही सेट हो सकता है। तो फिर कहते कौन सा, कहते कि ना वैन सेट, कहते तो जो कहते वांग जी होता, कहते कि ना लेकिन वैन रोहन तो मर चुका है, कहते हाँ उसको तो वैसे मैंने खुद ही मारा था, लेकिन कहते हैं ना अगर वो मर चुका है तो फिर कौन कर सकते, कहते मैंने वैन सेट बोला, मैंने वैन रोहन का नहीं बोला। तो फिर कहते हैं ना बट मैं इतना यकीन से कैसे कह सकता, कहते यकीन से ऐसे मैंने नहीं कहा, मेरा शक है लेकिन मैं अपने कार्ड्स को अब लगाता हूँ, पहले तो मैंने इसका कहा कि ना तुम सोल्ड आउट कर लगेगी मामले, लेकिन नहीं तुम बो तुमसे तो कोई काम नहीं होता, उल्टा एक इनोसेंट को तुम सजा देने चले, ये कह के ना वहाँ से कहते कि ना, और फिर वहीं से ऐसे ना चुटकी बजाता है, और फिर ना उसके सामने ना थ्री गार्ड्स अपेयर होते, कहते यस यस एम्परर यीलिंग पेट्री आ कहते लैंड सेक्ट को किसने तबाह किया, मुझे अभी के अभी सारे उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, कहते यस, और वो वहाँ से डिसअपेयर हो जाते हैं, और फिर कहते कि ना अब देखना अब पता चल जाएगा, अगर वो जियांग होंगे तो जियांग को मैं अपने हाथों से मारूंगा, या फिर उनको तुम्हें सरेंडर करूंगा, वरना तो फिर देखो क्या होता है। तो फिर उस तरह बोलते तो फिर ना वांग जी कहते हैं शुक्रिया, तो फिर कहते कि ना विंग उसी तरफ देख रहे होते, तो फिर वांग जी कहते क्या होगा, तो फिर विंग कहते कि ना तुम अब तो तुम्हें पता चल गया, अगर हम जियांग से ऐसा कुछ नहीं किया तो क्या करोगे तुम, कहते हैं जिसने किया उसको सजा दूंगा, कहते वो मेरा। तो फिर वांग जी कहते कि ना तुम क्या चाहते हो, कहते मैं जो चाहता हूँ वो मायने नहीं रखता। तो फिर जो वांग जी होते हैं वांग जी से विंग पूछते कहते हैं और तुम क्या चाहते हो, कहते अगर मैं अपने दिमाग को सोच के इस वक्त दिमाग को साइड पर रख के मैं खुद बोलूं और जो मैं बोलने वाला हूं वही बोलूं जो मैं बोलने वाला हूं वो वांग जी भी चाहता है, और मैं खुद वो लंजा की सारी बात कर रहा था, कहते हैं मैं खुद भी ये चाहता हूं, मैं एक्चुअली मैं जब भी तुम्हें हर्ट करता था मुझे खुद को बहुत बुरा लगता था, मुझे अजीब लगता था, मुझे बुरा लगता था, मुझे ऐसा फील होता था कि मुझे तुम्हारे साथ ये नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको मैं बदला चाहता था। और जहाँ तक बात है इस बच्चे की और तुम्हारी, तो इस तरह कह के वो चुप होता है, तो फिर ना विंग देख रहा होता है इसको एक तरफ ही देख रहा होता है वांग जी की तरफ, तो फिर कहते हैं ना मैं तुम दोनों को एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, आई उनको एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, एक अपनी न्यू फैमिली क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं इस बच्चे को चाहता हूँ, मैं आई उनको चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरी अब एक फैमिली हो। और अगर तो ये किया जियांग ने, तो फिर विंग की तरफ वो देखते कहते हैं अगर तो ये जियांग ने किया तो फिर मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसके लिए तो मैं माफ़ी तो नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं समझा कि तुम जियांग फैमिली के बड़े बेटे हो। तो फिर ना विंग उसी तरफ देख रहा था, तो फिर कहते हैं इस वजह से मैंने मैरिज प्रपोजल भेजा था, तो फिर जो विंग होता है वो चुप करके सुन रहा था, कहते हैं तो मैं शायद अगर ये जियांग से किया हुआ तो मैं हो सकता है तो मैं हो सकता है तुम तीनों में से किसी को एक्सेप्ट ना करूँ, लेकिन अगर तो ये जियांग से नहीं किया तो मैं तुम लोगों को वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहता हूँ,
और चांस ने किया नहीं किया तो मैं उनसे जाके खुद माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि आप तुम उनके बेटे थे चाहे अडॉप्टेड क्यों नहीं होते, लेकिन मैंने एक मास उनको सजा दिया और मैं अपनी पनिशमेंट भी लूँगा। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करते हुए कहते कहते हैं कौन सी पनिशमेंट लोगे, कहते क्या मतलब, कहते हैं पनिशमेंट मैंने पूछा कौन सी लोगे, कहते इनोसेंट को हर्ट करने की फालतू में। तो फिर कहते अच्छा डार्क कल्टिवेशन वाले की या लाइट कल्टिवेशन वाले की पनिशमेंट लोगे, कहते मैं पहले लाइट की लूँगा उसके बाद फिर मैं डार्क कल्टिवेशन वर्ल्ड की लूँगा। तो फिर ना विंग स्माइल करते कहते वैसे डार्क कल्टिवेशन की वर्ल्ड की लेने की जरूरत नहीं है, वो मेरी तरफ से माफ है, कहते बट ये गलत बात है मैंने तुम्हारे साथ अगर नहीं किया, इसमें तुम्हारा कोई कसूर ही नहीं था, तुम तो फल तुम्हें तुम्हारे तो इसमें कोई कोई नहीं था, तुम तो जैंग एक जैंग फैक्ट से हो भी नहीं, तुम तो वो हो ही नहीं जिसको मैंने समझ के तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया। तो फिर विंग स्माइल कहते कहते वैसे कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, कहते और अगर तो फिर कहते अब विंग चुप कर जाता है, तो कहते क्या हुआ, कहते हैं लंचा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कहते इतना मैंने तुम्हें हट किया तुम फिर भी मुझसे प्यार करते, कहते मैं तुमसे फर्स्ट डे से प्यार करता था, मैंने तुम्हें मुझे तुम्हें देखते प्यार हो गया था। तो फिर ना कहते क्या ना ये मैंने तो फिर वहाँ जी स्माइल करता है और विंग भी स्माइल करते हैं, ये हमारी स्टोरी एंड होती है, मतलब स्टोरी अभी खत्म नहीं है, अभी तो स्टोरी चलेगी मतलब पार्ट खत्म हो गया। ओके गाइस चलो टाटा बाय बाय।